दो रिपोर्टर्स, एक दुपहिया और एक 500 किलोमीटर की यात्रा। दो दीवाने सीरीज में मैं जिज्ञासा मिश्रा और सफर में मेरी साथी प्रज्ञा भारती ने जो 500 किलोमीटर की यात्रा बुंदेलखंड में तय की, वहाँ के गांवों में जाके हमने अलग अलग तरह का खाना भी खाया, अलग अलग लोगों से मिले हम, और उनकी अलग अलग क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, उनको जानने की कोशिश की। इस कड़ी में हमने मतदाता सूची में जुड़ने वाले नए नामों से भी मुलाकात की। हमने 18 से 19 साल के उन बच्चों से भी बात की जो पहली बार वोट देने वाले हैं, जिनकी कुछ उम्मीदें हैं, जिनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, और वो किस तरह अपने गांव में एक बदलाव का रुख देख रहे हैं। मुझे याद है जब हम महकोना पहुंचे थे तो हमारी मुलाकात प्राशु वागड़ी से हुई थी। प्राशु 19 साल की एक लड़की है जो हर रोज 30 किलोमीटर का सफर करके अपने कॉलेज जाती है सतना में, और वापस भी आती है। तो 60 किलोमीटर अप एंड डाउन डेली प्राशु करती है ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके। प्राशु ने बताया कि किस तरह उसे अपने गांव से सड़क तक जाने के लिए कोई साधन ढूंढना पड़ता है। गांव से सड़क तक जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है, पतली पतली गलियां हैं, ठीक से नालियां नहीं बनी हैं, तो सारा कचरा सड़क पे आ जाता है। सतना जिले के ही अंदर आने वाला गांव बड़ा लोखरिया में जब मैंने रंजना से बात की, रंजना ने मुझे बताया कि उसको अपने कॉलेज जाने के लिए पहले घर वालों को मनाना पड़ा था। अब उसे कॉलेज जाने की अनुमति तो मिल गई है लेकिन साधन नहीं मिलता। अब हम लोगों का पेपर है वहाँ 3 बजे से 6 बजे तक है, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। कहाँ जाना पड़ेगा? सतना रामकृष्ण कॉलेज में पेपर है, तो अभी जाएंगे, 3 बजे से पेपर है। गाड़ी में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, बस में जाना पड़ता है। कितना टाइम लगता है? जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अब बस में भीड़ बहुत रहती है, इसके लिए खुद की गाड़ी करके जाना पड़ता है। किराए दिक्कत हो जाती है जाने में, आने में तो और ज़्यादा दिक्कत रहती है। जब लौटते हैं तो लास्ट बस मिलती है, उसमें भी बहुत सारे लड़के रहते हैं, लड़कियाँ कोई रहती नहीं है, तो आने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। इन लोगों से हम अलग अलग दिन मिलते गए, अलग अलग बातें होती गई। हम जब हमारे ट्रिप का आखिरी दिन पन्ना में बीता था, मुझे याद है पन्ना पहुंच के हमें होटल ढूंढने में बड़ी मशक्कत हुई थी, लेकिन हाँ उस रात होटल मिलने के बाद जो हमें नींद आई थी वो काफ़ी अरसों बाद आई थी। हर जगह पानी बदल रहा था, खाना बदल रहा था, और युवाओं की समस्याएँ भी बदलती जा रही थी। पन्ना जिले के मांझा गांव में जब मेरी मुलाकात मोहन सिंह से हुई तो मोहन ने बताया उसके गांव में रोजगार की बहुत समस्या है। एक समय में उसके गांव के बाहर ही खदान हुआ करती थी पत्थर की, जहां पे छोटा मोटा काम मिल जाता था, लेकिन वो खदान बंद होने की वजह से वो बताता है कि आसपास के लोग बेरोजगार हो गए हैं। मोहन खुद रोजगार की तलाश में है। पहले सबको मतलब काम मिलता था, पैसे भी मिलते थे। मतलब पहले कब? मतलब जब खदान चालू थी, जब खदान चल रही थी तो सबके पास पैसे आते थे, सब अच्छा था, मतलब सबका सब कुछ चलता था, बाजार है जो भी है, पैसे की आवश्यकता जो पड़ती थी सब पूर्ति होती थी। जब अब खदान बंद हो गई है जब से, तो किसी के पास मतलब पैसा नहीं रहता और सब काम मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि अपने गांव में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मतलब बाहर ना जाना पड़े, यहीं कुछ ऐसा कोई कंपनी या कुछ फैक्ट्री डल जाए या कुछ भी ऐसा हो। और गाँव में पानी आने की समस्या सब कुछ है। पानी के लिए क्या दिक्कत है? पानी के लिए ये है कि सब हैंडपम्प सब खराब डले हुए हैं, और मतलब जो भी है तो कोई सुनता भी नहीं है, अगर खराब भी हो जाता है तो। पन्ना टाइगर रिजर्व के पास ही एक और गांव था जिसका नाम केमासन था। वहाँ जब मैंने रोशनी से बात की तो उस बात ने मुझे झकझोर के रख दिया। रोशनी ने मुझे बताया कि उसके गांव के चारों ओर जंगल है, और वो हमने देखा भी था, वो टाइगर रिजर्व से काफ़ी पास था, और वहाँ के लोगों के मुताबिक और रोशनी के मुताबिक जंगली जानवर वहाँ अक्सर आ जाते हैं। घर के बगल से खेत है, जंगल भी है, तो जानवर भी बहुत हो गए हैं, तो इस वजह से घर में लैटरिन बनवाए ताकि लोग जंगल ना जाएं, इन सब क्योंकि जानवरों से डर है। इस तरह के जंगल में जब रोशनी और उसके गांव की और भी लड़कियां शौच के लिए जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए ये कितना सेफ या कितना खतरनाक होता होगा। इन सभी लोगों से मिलते हुए हमें एक खुशी तो हो रही थी कि इनके भी कुछ उम्मीदें हैं या ये भी अपनी आवाज उठाना सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बराबर मन में बना हुआ था कि इन गाँव के लड़कियों की आवाज क्या शहर के कानों तक पहुँच पाएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के करीबन 20 गांव का रुख किया हमने इस सफर में, और हमारे साथ कई घटनाएं हुई, कई हमें सीख मिले, कई अनुभूतियां हुई जो हम आपके साथ बराबर साझा करते रहेंगे। अगली बार हमारे साथ क्या हुआ ये देखिए दो दीवाने सीरीज के अगले भाग में।